अंबाती रायडू ने आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के मैच के बाद में अपने इंस्टाग्राम आईडी पे एक स्टोरी लगाई और एक पोस्ट किया, जिसकी वजह से आरसीबी के फैंस हो गए पागल। हाँ दोस्तों, और चेन्नई सुपर किंग के कुछ प्लेयरों ने भी अंबाती रायडू के पोस्ट के ऊपर और उनके स्टोरी के ऊपर कमेंट भी किए, जिसकी वजह से हो गया काफी बड़ा बवाल। आगे हम बताएंगे दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो में क्या वो कमेंट था, क्या वो पोस्ट था जो अंबाती रायडू ने किया, और जो कौन से वो चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर थे जिन्होंने उस पोस्ट के ऊपर कमेंट किया। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो, नए नए अपडेट हम चैनल पर डालते रहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के मैच के बाद में, जब राजस्थान ने मुकाबला जीत लिया, आरसीबी की इसके अंदर हार हुई, उसके बाद में अंबाती रायडू ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी के ऊपर एक स्टोरी लिखी, जिसके ऊपर लिखा हुआ था जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर। उसके बाद में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाला, जहां पर उस पोस्ट में ऐसा दिखाया जा रहा था कि आईपीएल की ट्रॉफी जो होती है वो चेन्नई सुपर किंग ने 5 बार जीती, वो उस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा था, जो इस तरीके का उन्होंने पोस्ट किया था, जो सीधा सीधा बता रहे हैं कि आरसीबी की तरफ एक इशारा है कि आरसीबी सीएसके को हराकर आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत सकती है। एक सीधा सीधा इशारा उनका, उन्हें अगर आईपीएल की ट्रॉफी जीतना है तो प्ले ऑफ में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, जो चेन्नई सुपर किंग ने पिछले कई सालों से करते हुए आई है, जिसकी वजह से उनके पास 5 आईपीएल की ट्रॉफी है। ये अंबाती रायडू का इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी था, और उसके ऊपर जो कमेंट आया है वो दीपक चहर का, उन्होंने कमेंट किया। दीपक चहर ने एक सैल्यूट वाला इमोजी लगाया उसके ऊपर, उसके बाद में उस पोस्ट के ऊपर पति राणा का भी कमेंट आया, जो एक हंसता हुआ इमोजी डाला, जिसकी वजह से आरसीबी के जो फैंस है वो थोड़े से उनके ऊपर निराश हो गए हैं, वो थोड़े से पागल हो चुके हैं उनके ऊपर, वो काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हैं उनके पोस्ट के ऊपर कि विराट कोहली ने कभी ऐसा नहीं किया, कि लास्ट ईयर जब रविंद्र जडेजा ने वो 6 और 4 मार के आईपीएल की ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग को जिताया था, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर आरसीबी चेन्नई सुपर किंग की तरफ चेन्नई सुपर किंग के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, उन्हें विशेष दिए थे, मगर चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर ऐसा नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आरसीबी के फैंस थोड़े निराश लग रहे हैं दोस्तों। जहां तक अगर हम अंबाती रायडू की बात करें तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं, हाल फिलहाल वो कोई भी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, फिलहाल वो कहीं छोटे मोटे इंटरव्यू में दिखाई देते हैं और कॉमेंट्री करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं फिलहाल वो, तो ज्यादा उनका कोई बड़ा करियर भी नहीं रहा है इंटरनेशनल में। आईपीएल में थोड़ा बहुत अच्छे परफॉर्मेंस थे उनके और आईपीएल में अच्छा करियर भी था उनका, अब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। लास्ट उन्होंने जो आईपीएल खेला वो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ही खेला, यहां तक कि जो उनकी भड़ास से जहां तक देखी जा रही है कि आरसीबी ने उन्हें हरा दिया, आरसीबी ने उन्हें हरा दिया, प्ले ऑफ में जाने से उन्हें रोक लिया, और धोनी का एक लास्ट ईयर था, धोनी ये लास्ट ईयर खेल रहे थे, इसके बाद में आईपीएल धोनी नहीं खेलेंगे शायद, ऐसा लगता है कि धोनी का ये लास्ट ईयर है, तो ये भी एक बड़ा बयान है जो निकल के सामने आया है। देखते हैं कि आरसीबी के फैंस किस तरीके का रिएक्शन करते हैं, क्योंकि आरसीबी के फैंस कोई छोटे मोटे फैंस नहीं, वो बहुत रॉयल फैंस है, वो किसको भी नहीं छोड़ते हैं, ये बात अंबाती रायडू, दीपक चहर और पति राणा को काफी अच्छे से पता है दोस्तों। अंबाती रायडू इस तरीके के काम पहले भी करते हुए आए हैं, हाल फिलहाल काफी इंटरव्यू में उन्होंने काफी प्लेयरों के बारे में गलत और सही कहा है उन्होंने। जहां तक कि अगर हम आरसीबी और सीएसके की मैच की बात करें तो काफी अच्छा मुकाबला हुआ, तगड़ा मुकाबला हुआ दोस्तों हमें देखने के लिए मिला। आरसीबी ने उन्हें 21 या 22 रनों से हराया, काफी अच्छा लास्ट ओवर यश दयाल ने डाला, जहां तक कि धोनी और जडेजा बैटिंग कर रहे थे उनके सामने यश दयाल ने काफी अच्छी बॉलिंग की, बॉल गिल्ला होने के बावजूद भी लास्ट में जो धोनी ने 110 मीटर का छक्का जो मारा वो काफी यादगार छक्का रहेगा स्टेडियम के बाहर, बॉल घूमने की वजह से। काफी जो बड़े बड़े प्लेयर से वो कह रहे हैं कि धोनी ने ही आरसीबी को जिताया, ये सब बात निकल के भी बाहर आई, क्योंकि जो बॉल धोनी ने मारा बाहर स्टेडियम के वो बॉल दोबारा नहीं आई, उसके बाद में उन्हें नई गेंद दी गई, और जो बॉल थोड़ी सूखी हुई थी क्योंकि वहां पे बारिश हुई हुई थी, बारिश की वजह से बॉल गिल्ली हो जा रही थी और बॉलर के हाथ से बॉल फिसल भी रही थी, तो काफी अच्छी तरीके की बॉलिंग की यश दयाल ने, और आरसीबी के बल्लेबाजों ने भी काफी अच्छी बैटिंग की और स्कोर एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, 218 रन का लक्ष्य खड़ा कर दिया उन्होंने, जिसका पीछा करते हुए सीएसके की टीम हार गई और प्ले ऑफ में जगह नहीं बना पाई। आरसीबी ने प्ले ऑफ में जगह बनाया, उनका मुकाबला राजस्थान के साथ में था, राजस्थान और आरसीबी के बीच में काफी अच्छा तगड़ा मुकाबला हुआ, जहां पर आरसीबी एक तरीके से हारते हुए दिखाई दी और राजस्थान रॉयल्स ने काफी अच्छी जीत ली,
जीत पाई है इस मुकाबले में। देखते हैं कि राजस्थान रॉयल्स आगे जा पाती है कि नहीं जा पाती, और ये किस तरीके का बयान था जो अंबती रायडू ने आरसीबी के लिए दिया दोस्तों, क्या ये सही था या गलत था, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो, नए नए अपडेट हमारे चैनल पे डालते रहते हैं।